पंजाब विधानसभा में ताला लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री, हाथापाई तक पहुंची नौबत। सदन में हुआ जबरदस्त हंगामा, कांग्रेस और आप सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दलित डिप्टी सीएम की बात पर भड़के सीएम, बाजवा बोले एकनाथ शिंदे साबित होंगे मान, इनका दिमाग खराब हो गया है, इसे जूती सुंघाओ। टिप्पणी पर घिरे भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को ताला लेकर विधानसभा पहुंच गए। सदन को अंदर से ताला लगाने के उनके बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्तारूढ़ आप और प्रतिपक्ष कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों दलों में हाथापाई तक नौबत आ गई। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पक्षों ने शब्दों की सारी मर्यादाएं लांघ दी। विधानसभा का बहिष्कार करने के बाद पत्रकारों से वार्ता में बाजवा ने कहा, भगवंत मान पर सत्ता का नशा चढ़ गया है, वह पंजाब के एकनाथ शिंदे साबित होंगे। कार्रवाई शुरू होते ही मुख्यमंत्री मान ने स्पीकर को ताला चाबी गिफ्ट में देकर कहा कि इसे हाउस के बाहर लगा दीजिए ताकि विपक्षी बाहर न निकल सके। इस पर विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बोलना चाहा लेकिन उनका माइक ऑन नहीं हुआ। इस पर मान ने कहा कि एक और ताला दे देता हूँ ताकि उनके मुंह पर भी ताला लगा दिया जाए। इसके बाद बाजवा और मान ने निजी हमले किए। बाजवा का आप विधायकों को मेटोरियल कहने वाली टिप्पणी पर मान ने कहा, हम मेहनत करके मुख्यमंत्री बने हैं, इनके बाप दादाओं की तरह सोने की बिस्कुटों की तस्करी करके नहीं आए हैं ताकि सीएम फिलिंग ले सके। बाजवा मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कभी कभार जिन लोगों की जिंदगी एक दो दिन रह जाती है, वहां के एसएसपी अपनी कुर्सी पर बिठाकर उन्हें एसएसपी होने की फीलिंग दे देते हैं। मैं अपनी कुर्सी पर आधे घंटे के लिए बाजवा को बिठा देता हूं ताकि वे भी मुख्यमंत्री बनने की फीलिंग ले सकें। सुबह कांग्रेस विधायकों को घेरने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान दोपहर बाद आदमपुर के कांग्रेस विधायक सुखविंदर कोटली पर की गई अपनी एक टिप्पणी पर फंस गए। विरोध में कांग्रेस विधायक सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए। सदन के बाहर भावुक नजर आए सुखविंदर कोटली ने कहा कि बेशक उनका पद चला जाए लेकिन वह मुख्यमंत्री को सबक सिखाकर रहेंगे। कहा, मैंने पूछा था कि सीएम साहब आपने चुनाव से पहले अनुसूचित जाति का डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? लेकिन सीएम ने मुझसे कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसे जूती सुंघाओ, जूता सुंघाओ।